नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अत्यंत प्रमुख खबरों को। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि यह मामला इतना बड़ा नहीं था। उन्होंने कहा कि आनन फानन में सदस्यता रद्द करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप भी बीएसएनएल के यूजर हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों ग्राहकों के हित को देखते हुए बड़ा ऐलान किया गया है। भारत सरकार जल्द से जल्द 25,000 मोबाइल टावर लगाने की तैयारी कर रही है। कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने यह बात कही है। उन्होंने यह भी बताया है कि नए टावर लगाने के लिए सरकार की तरफ से 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाई और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने का मामला देश भर में गरमाया हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शनिवार को सीबीआई मुख्यालय में हाजिर हुए। वहीं राजद सांसद मिसा भारती से भी ईडी ने पूछताछ की। लालू परिवार जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले की जांच में उलझा हुआ है। वहीं ललन सिंह ने दोनों मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। छत्तीसगढ़ प्रवास पर पेंड्रा पहुंची महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में आयोग को आ रही समस्याओं के बारे में बात कही। साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए भी एक विधान एक संविधान की मांग होने की बात कही है। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी सवाल उठाए हैं। 26 मार्च को पटना से देवघर और 27 को रांची से देवघर के लिए विमान सेवा शुरू हो रही है। पटना से यात्री अब 1 घंटे के अंदर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए देवघर पहुंच सकेंगे। यात्रा शुरू होने से ठीक एक दिन पहले विमान का किराया करीब 3,000 के आसपास पहुंच गया है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पर पुलिस के एक्शन के बाद एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। खालिस्तान समर्थक एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं। पहले ब्रिटेन में तिरंगे का अपमान किया, फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास पर हमला किया और नारेबाजी भी की। पुलिस के बैरिकेड तोड़कर खालिस्तान झंडे लगाए। अब कनाडा के ऑन्टेरिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़कर उस पर खालिस्तानी झंडा लगाया है। इतना ही नहीं, खालिस्तान समर्थन वाले स्लोगन और भारत विरोधी बातें भी हुई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान मीडिया से कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। बिजली की दामों पर बढ़ोतरी को लेकर उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार क्यों ऊंचे दामों पर बिजली की खरीदारी कर रही है। जनता के हितों और बिहारियों की समस्याओं को लेकर कई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। 9 अप्रैल को पार्टी मशाल जुलूस निकालेगी। 10 अप्रैल को पूरे बिहार में बिजली को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अमृतपाल सिंह चाहे पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन उसके गिरफ्तार हुए साथियों से बड़े खुलासे हो रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार भरोसेमंद सूत्रों की माने तो अमृतपाल सिंह और उसके समर्थक नशा छुड़ाने की आड़ में अपने साथ युवाओं को जोड़ रहा था, जिन्हें उसने अपने संगठन AKF में भर्ती करना था। इतना ही नहीं, फरार चल रहा अमृतपाल सिंह युवाओं के ब्रेन वॉश पर भी काम कर रहा था और उन्हें एक विशेष समुदाय के प्रति भी भड़काने का काम कर रहा था। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद भाजपा ने कांग्रेस नेता पर जमकर पलटवार किया। शनिवार को पटना में भाजपा के सीनियर नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि झूठ बोलना और बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी का स्वभाव है। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस आईडी है। इसके बिना किसी भी वित्तीय काम को निपटाना मुश्किल है। ऐसे में बिना पैन कार्ड के आपके कई कार्य रुक सकते हैं। अगर आप पैन और आधार को 31 मार्च तक लिंक नहीं किया है तो आपका पैन 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत छोटे आयकर दाताओं को मामूली टैक्स राहत की पेशकश की है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वाले भी जीरो टैक्स का फायदा ले सकेंगे। टैक्स पेयर्स को यह राहत फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 1 अप्रैल से मिलेगी। दरअसल इसके लिए किसी स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। यह मामूली राहत सिर्फ उनके लिए है जिनकी आय 7 लाख रुपए से थोड़ी बहुत अधिक है। देश के अग्रणी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने अत्यधिक तीव्र गति वाले इंटरनेट सेवा देने के लिए सबसे तेज और व्यापक 5G दूरसंचार नेटवर्क खड़ा करने के मकसद से देश भर में करीब 1 लाख दूरसंचार टावर लगाए हैं। दूरसंचार विभाग के हाली आंकड़ों के अनुसार दूरसंचार टावर लगाने के मामले में जियो दूसरे स्थान पर मौजूद कंपनी से लगभग 5 गुना आगे है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। RBI की अगले साल होने वाली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के लिए पूरे वित्तीय वर्ष में 6 बैठकें होंगी। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है कि ब्याज दर तय करने वाली समिति की अगले वित्तीय वर्ष की पहली बैठक 3 से 6 अप्रैल को होगी। सिलिकॉन वैली बैंक से लेकर क्रेडिट स्विस और अब ड्यूस बैंक के संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन शनिवार को सरकारी बैंकों के प्रमुख के साथ अहम बैठक की। इस बैठक का एजेंडा बैंकों की वित्तीय सेहत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरे बैंकिंग संकट के असर पर चर्चा करना था। वहीं वित्त मंत्री बैंकों से अलग अलग सरकारी योजनाओं के टारगेट का हिसाब किताब भी ले सकती थी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ
होने वाली गतिविधियों से निपटने के लिए सख्तियां उपलब्ध कराना है। न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीयकरण पर गठित की गई समिति की सिफारिशों के आधार पर यह बात कही है। धातु एवं खनन क्षेत्र के दिग्गज कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के सामने कर्ज की भारी भरकम किस्त चुकाने का दबाव है। कंपनी कर्ज की किस्तों का भुगतान करने के लिए फंडिंग के विभिन्न विकल्पों पर गौर कर रही है। इस बीच वेदांता रिसोर्सेज की भारतीय इकाई वेदांता लिमिटेड ने रिजर्व बैंक से एक जरूरी मंजूरी की मांग की है। ईटी के खबर के अनुसार वेदांता लिमिटेड ने $1 बिलियन के कर्ज की गारंटी देने के लिए रिजर्व बैंक से मंजूरी की मांग की है। नेशनल स्टॉक चेंज यानी NSE ने 1 अप्रैल से कैश इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में लेन देन शुल्क में 6% की वृद्धि को वापस लेने का फैसला किया। अतिरिक्त शुल्क 1 जनवरी 2021 को प्रभावी किया गया था। उस समय बाजार की अनिवार्यता को देखते हुए NSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड ट्रस्ट कॉपर्स को आंशिक रूप से बढ़ाने के लिए लगाया गया था। NSE की तरफ से बयान में कहा गया है कि उसके निदेशक मंडल ने बीते लेन देन शुल्क में 6% की वृद्धि को वापस लेने का फैसला किया है। कांग्रेस एक तरफ देश भर में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ आंदोलन कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन यह कहते हुए कर रहे हैं कि वे OBC समाज को लेकर दिए गए अपने बयान पर माफी मांगे। तीसरी तरफ महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता बीजेपी के साथ सुर मिला रहे हैं। विदर्भ क्षेत्र के नेता आशीष देशमुख ने राहुल गांधी से यह मांग कर डाली है कि वे ओबीसी समाज से माफी मांगे। उन्होंने चेताया है कि अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले चुनावों में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। दोपहिया वाहन निर्माता TVS मोटर ने फरवरी 2023 में कुल 2,65,872 वाहनों की बिक्री की है। इसमें घरेलू और निर्यात दोनों शामिल है, जबकि कंपनी ने फरवरी 2022 में 2,66,212 वाहनों की बिक्री की थी। कंपनी ने घरेलू तौर पर फरवरी में 2,21,402 यूनिट्स की बिक्री की है, जिसमें 27.83% की बढ़ोतरी हुई है। फरवरी 2022 में बेची गई 1,73,158 यूनिट्स की तुलना में 48,204 यूनिट्स अधिक है। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद LIC के निवेश पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। LIC के एक्सपोजर को लेकर भी हंगामा हो रहा है। इसका सीधा असर बीमा कंपनियों के शेयर पर पड़ा है और कंपनी के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई है। भारत में इसी साल अक्टूबर नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है। इस वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की टेंशन लगातार बढ़ती नजर आ रही है। एक के बाद एक खिलाड़ी चोटिल होते जा रहे हैं, जिस पर अब BCCI ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कड़ी चेतावनी दे दी है। BCCI ने चोटिल खिलाड़ियों पर सख्ती दिखाते हुए नेशनल क्रिकेट एकेडमी को कड़ी चेतावनी दे दी है। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद केरल के वायनाड में भी कई लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के पुलपल्ली क्षेत्र के किसान मार्कोस पीयू ने कहा है कि फांसीवाद हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है। भले ही अदालत ने अपील दायर करने के लिए समय दिया हो, लेकिन इतनी जल्दबाजी में सांसद को अयोग्य करार दिया गया है। भारत में हर साल बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स US में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल अब स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए SAT टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। नेशनल सेंटर फॉर फेयर एंड ओपन टेस्टिंग यानी फेयर टेस्ट US ने हाल ही में एक सर्वे किया है। इस सर्वे से पता चला है कि अमेरिका के 80% बैचलर डिग्री देने वाले यूनिवर्सिटीज में 2023 में एडमिशन के लिए छात्रों को ACT या SAT स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम के स्कोर की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार को कई प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने कहा है कि पेंशन के इस मामले पर विचार और पेंशन प्रणाली की बेहतरी का समाधान निकालने के लिए वह वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखती है। यह कमेटी इन बातों पर विचार करने के दौरान कर्मचारियों की जरूरतों के साथ वित्तीय स्थिति का भी ध्यान रखेगी, ताकि आम नागरिक की भी रक्षा की जा सके। रेलवे मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक महिला टिकट चेकर रोजलिन आरिकेरिया मैरी की जमकर तारीफ की है। मैरी ने जुर्माने के तौर पर यात्रियों से 1 करोड़ रुपए वसूल करके रिकॉर्ड कायम कर दिया है। राहुल गांधी वाले मामले को लेकर अदालत के फैसले के बाद राहुल को तुरंत जमानत भी मिल गई, लेकिन इस फैसले की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि तत्काल अयोग्यता के खिलाफ अध्यादेश को राहुल गांधी ने खुद फाड़ दिया था। अगर कर्म उसे वापस मारता है तो हमारी क्या गलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को लेकर एक द्विपक्षीय संधि हुई थी, जिसके तहत पाकिस्तान के करतारपुर जाने के लिए तीर्थयात्रियों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार की ओर से जोर देने के बावजूद पाकिस्तान करतारपुर साहिब कॉरिडोर के माध्यम से गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने वाले तीर्थयात्रियों से शुल्क वसूल रहा है। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को लेकर नया खुलासा हुआ है। वह SDPC में अपना दखल कायम करना चाहता था। अमृतपाल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कुछ कर्मचारियों के संपर्क में था। SDPC में चुनाव के माध्यम से एंट्री
की भी तैयारी शुरू कर ली थी। वह भविष्य में एसजीपीसी चुनाव की भी लड़ने की तैयारी कर रहा था। उसने धार्मिक जुलूस के माध्यम से संपर्क बनाना शुरू कर दिए थे। उसने श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार भाई रंजीत सिंह की जत्थेबंदी और श्री हरमिंदर साहिब के पूर्व हुजूरी रागी भाई बलदेव सिंह बडाला की जत्थेबंदी के कुछ कार्यकर्ताओं से भी संपर्क बनाया था। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, त्रिलोक कुमार, एमडी नौशाद राजा, एमडी साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, एचके मल्होत्रा और जितेंद्र ठाकुर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कई बार देश में अलगाववादी गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं, इन पर रोक लगाने के लिए क्या करना चाहिए? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।